सबकी कार पिक्स हो चुकी है, प्लेयर्स सब रेडी दबा दीजिए, इन 3, 2, 1 लेट्स रंबल। अभी जो प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कैनरी और यूफो दो ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जिनपे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, और एक बढ़िया जंग हमें देखने को मिलेगी कैनरी और यूफो के बीच में। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज का जवाब मैं दूंगा, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, बट अभी बात करते हैं गेम की, क्योंकि फाइनली वो मुकाबला जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो शुरू हो चुका है। यूफोरिया पे नजरें सबकी बनी हुई, ट्रिपल ए वेयरवुल्स अनिरुद्ध यहाँ पे खेल जरूर रहे हैं, प्रो प्लेयर हैं वो और उनसे उम्मीदें ज्यादा रहेंगी, और रेसिंग गेम्स उनका एक पॉजिटिव जरूर से रहने वाला है। हालांकि पिछला जो रेसिंग गेम खेला था उन्होंने चौथे पायदान पे आते नजर आएंगे, कैनरी की बात करें वो भी वो जो साइड में स्टोन्स होते हैं वहां पर जाकर के लड़ चुके, और अब आगे क्या अनिरुद्ध निकल जाएंगे। चलिए अनिरुद्ध वहां पर मौजूद थे जरूर, लेकिन कैनरी वो आगे निकले, लेकिन यूफो अभी भी वो थोड़ा पीछे है, दूसरे पायदान पे देखने को मिल रहा है। देखिए कैनरी को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें आदित्य की जो हर बार बेहतर परफॉर्म करते हैं, अभी के लिए हमने देखा कि वो तीसरे पायदान पे आए थे, उतने ज्यादा अंक वो लेकर के जा नहीं पाए, तो कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कैनरी यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करके पूरी तरह गाइड किया जा रहा है यहाँ पे अपने प्लेयर्स को, व्हिच इज गुड। करो बस चलो सीधा, थोड़ा सा इधर करो, चलो सीधा, चलो चलो आराम से, चलो आराम से, चलो इधर जाना है थोड़ा, गुड थिंग बट खराब जरूर होगा। बट अभी के लिए कैनरी सबसे आगे, सबसे प्रथम, और वो जीत भी जाएंगे, पहले नंबर पे खत्म करेंगे, बट पेनल्टी देखना चाहूंगा कुछ लगती है या नहीं उनको। मेरे ख्याल से उतना कुछ खास पेनल्टीज लगेगी नहीं, और अभी भी वो इजीली पहले पायदान पे ही हमें देखने को मिलने वाले। यूफे ने वो चीज बोली भी थी कि एक बढ़िया कमबैक उनकी तरफ से देखने को मिलेगा, अभी तक जो हुआ सो हुआ, जो बीती सो बीत गई, भूल जाओ, लेकिन वापस से वही चीज, जो का उतना बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन यूफो की बात करें तीसरा पायदान उनके हाथ। साथ साथ चलते हैं, यूफो क्या हो गया? कुछ नहीं, रेस कंप्लीट करनी थी, पेनल्टीज नहीं लेना था, सेफ कॉल है, हम लोग को अभी क्वालिफाई करना है, तो स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि यू नो इफ ऑल ऑफ अस इंडिविजुअली रैंक द टेबल तो हम लोग सीधा फाइनल्स में जाएंगे, वैसा है नहीं, आज फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग सेफ खेल रहे हैं, दैट इज इट। ओके, क्योंकि मैं अगर हड़बड़ा के सेकेंड या थर्ड होऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं है, बट अगर गाड़ी फट गई, विड्रॉ हो गया रेस से, तो आई एम श्योरली आउट ऑफ द टेबल। पहला पायदान है वो लिया जाए अगर हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करेंगे वहां पे, बट अभी के लिए ओपी यूनिकॉर्न्स आंखें जो है वो तरस गई थी ये मंजर देखने के लिए। हिमांशु परफेक्ट, इन 3, 2, 1 लेट्स रंबल। बट वंश के जस्ट पीछे जोसफ आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं, देखिए आगे उनको जाना पड़ेगा, जो उनके कंधों पर ही मेन जिम्मेदारी है। यूफो की बात करें तीसरे पायदान पे वो आए थे, और कहीं ना कहीं जो कोई समझना पड़ेगा कि उनको ही यहाँ पे स्टेप अप करना है, और पहला पायदान सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आप पहले पायदान पे अगर आप एक खिलाड़ी आता है और दूसरा खिलाड़ी भले चौथे पायदान पे आए, तब भी उसका जो सम है वो ज्यादा ही देखने को मिलेगा अगर हम कंपेयर करें दूसरे और तीसरे पायदान से, तो वो चीज अभी उनको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन जो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, उतना ज्यादा फ्लॉलेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं सरप्राइज्ड हूं वंश को देखकर। पहुंच गए हैं अंकी, पहुंच गए हैं, और जो मुझे लग रहा है आगे भी बढ़ सकते हैं वंश, ये रेस कुछ भी करके केओ क्रैकन्स को उनको जितानी है, अगर नहीं जीता पाए तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बट पीछे देखिए दिवांशु भी आगे निकलते हुए पार्थ से, ये क्या हो रहा है अंकी आज के गेम में? क्रैकन्स के दिवांशु काफी ज्यादा करीब वो पार्थ के रहने वाले, पार्थ को आगे निकलना ही पड़ेगा, थर्ड पोजिशन पे अगर वो रहेंगे तो उतना ज्यादा कम प्रेशर यूफो के ऊपर जाएगा, लेकिन दिवांशु वो आगे निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुश्किल स्थिति में, क्या बढ़िया टक्कर मारी उनको दिवांशु, अभी के लिए जमीन पर रिपेयर करते हुए जब तक वो नजर आएंगे तब तक तो पार्थ काफी आगे निकल जाएंगे। ओपी यूनिकॉर्न्स के जो नैया है ना वो यही चलाते हुए, बट वही अगर यहाँ पे बात की जाए जो कि आज के दिन में उनकी तीसरी रेस और आज के दिन की उनकी तीसरी विक्ट्री हो सकती है। एंगल चेंज करके कोई भी उनके आसपास नजर आ नहीं रहे, तो जो अभी के लिए पहले पायदान पे, लेकिन पार्थ एक बार फिर से दिवांशु के वो पीछे जाते हुए नजर आएंगे। आर यू श्योर? बिकॉज टाइम पेनल्टी भी मिलने वाली है दिवांशु को, क्योंकि दो बार क्रैश हुए थे वो पूरी तरह से, मैं देखना चाहूंगा क्या होगा। तीसरे आए हैं, मैं कह रहा था तीसरे आएंगे, क्योंकि दिवांशु भले ही रेस में आगे थे लेकिन पेनल्टीज में आगे नहीं थे वो। यही बोला था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेट्स गो बॉय, लेट्स गो बॉय। हु फक्ड अप? इट्स cuz दिवांशु क्रैश्ड इनटू मी एट द स्टार्ट। लेट्स गो बॉय, लेट्स गो। वाओ यार, जो कितना मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, इट जस्ट अमेजिंग राइट। अरे देखो तो सही, मैंने इतना उत्साहित इस प्लेयर को कभी नहीं देखा। बोथ प्लेयर्स रेडी, यू नो देयर इज अ वे केओ क्रैकन्स आगे निकल सकती है, और वो वे है कि यूफोरिया रेस फिनिश ना करें। हमें देखने को मिलने वाले जो कि रहने वाले हैं यूफो, रेस कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बोला स्पीरो,
आप यकीन मानिए मुझे अभी भी इस बारे में और ये बोलने में बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है कि हो सकता है कि यूफो रेस खत्म ही ना कर पाए। हालांकि उनको पता है कि अगर वो रेस में बस बने भी रहे तो भी उनकी टीम आगे जाएगी। आई मीन इससे ज्यादा बेहतर और क्या होगा। अब गेम पे वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी स्टेप अप कर रहे हैं। वो भी आप रहने दीजिए नीचे। वुडन स्पून वाले ट्रॉफी ले जाएंगे और ऑप्शन तो आने दे। काफी मुश्किल होगा वहां पे अभी के लिए, थोड़ा वक्त और उनको ज्यादा लगने वाला है। वहीं अगर हम बात करें यूफोरिया की, जैसा कि उन्होंने बोला स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बिल्कुल वही काम वो करते हुए नजर आएंगे। और ये रेस काफी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी जब सेमीफाइनल्स में जाएंगे, वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये कॉन्फिडेंस यूफोरिया का। चलिए बहुत आराम से यूफोरिया ने ये रेस को खत्म करा और जीत गए, काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं और होना भी चाहिए यार। और चैट सेक्शन में भी जो बॉम्ब है ना वो रुक नहीं रहा। तो वैसे अगर बॉम्ब की बात कर रहे हैं तो लाइक की बात भी कर लेते हैं। भाई बात करेंगे लाइक की, बट मैं देखना चाहता हूं यहां क्या चल रहा है। यहां तो कमाल चल रहा है और फाइनल्स में पहुंच चुके हैं ओपी यूनिकॉर्न्स ये। अच्छा जी, पावर फीनिक्स जीत जाएगी। यू एंड जो परफेक्ट, यूफोरिया एंड जो will play for OP Unicorns. Or the car race. Car picks पे चलते हैं। Canary is taking 207. You for your pick. 17 लेगा देख। 217. 217. Gulin आपका pick? 209. Okay. तो आपने देखा था मतलब, हालांकि अगर हम बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो वो उतना अच्छा रुचिर का आया था नहीं वैसे जितना एक्सपेक्ट किया था उन्होंने। Exactly. अब वो तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, आप तो अपनी तरफ से कैलकुलेट करके आओगे ना। कैलकुलेशन तो सही करो है आशीष, बट जो जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनकी हम तारीफें कर रहे थे अभी के लिए, वो सबसे पहले खत्म करते हुए नजर आएंगे इस रेस को। और ये तीनों रेसेस, तीनों की तीनों रेस जो है वो तीन मिनट के अंदर, बिल्कुल तीन मिनट के अंदर वो खत्म करते हैं। कैरी भाई अभी भी आपने देखा इस गेम को और जिस तरीके से जो जो है या कहीं ना कहीं वो रेबल से बेहतर इस गेम में? नहीं ऐसा मेरे को लग तो नहीं दिख रहा इसके अंदर। पहले और दूसरे के बीच में उतना ज्यादा फासला था, इसमें तो बहुत क्लियर है। ये तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। उस मैच में भी जो जीते थे और तीन मिनट से पहले उन्होंने खत्म करा था। ये चौथी रेस है कैरी अगर देखा जाए जिसमें जो फर्स्ट आए हैं। इन 3 2 1 लेट्स रंबल। अदिति वो रहेंगे जो ये जो मझधार में फंसी हुई नैया है पावर फीनिक्स की, उसको पार लगाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि और अगर हम बात करें कैनरी की, पिछली रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी देखने को मिली थी। थर्ड पे यूफो है। अरे 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 ये क्या? ओ अच्छा जी, आदित कह रहे हैं ठीक है तुम जीत जाओ मैं सबको रोकता हूँ। ये क्या बात हुई? ये मैं समझा नहीं, ये क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे कोई समझाए। देखिए जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से कि पहले पायदान पे अगर आप आते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे, दूसरे पायदान पे 18, तीसरे पे 15 और चौथे पे 12 अंक आपको मिलेंगे। तो अगर आपका एक प्लेयर पहले पायदान पे आता है तो 25 अंक उसको मिलेंगे और चौथे पे आता है तो 12, तो वो दो मिला करके जो सेकंड और थर्ड पोजिशन के पॉइंट्स है उससे ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपका प्लेयर कैसे भी करके फर्स्ट आ जाए ना तो आप भले फोर्थ आ रहे हो बट स्टिल आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो ज्यादा रहेगा। जी इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैच चल रहा है, जीतना जरूरी है बट ये क्लोज जाने वाला। कैनरी भी फिसल गया आगे जाते जाते, बट ठीक है वो काफी आगे हैं तो एक दो स्लिप तो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यू नो व्हाट, आदित फिर से चौथे पायदान पे जा चुके हैं। यूफोरिया पार दोनों उनसे आगे और आदित सबसे पीछे अभी के लिए। व्हाट, उनकी व्हीकल सही हालत में नहीं नजर आ रही मुझे। यूफो उनको पता है कि इजीली वो जो रोस है रेस है वो कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। एंड जस्ट लुक एट दैट रिएक्शन, अगर हम पार की बात करें वो यहां पे थर्ड फिनिश करेंगे आदित, वो अभी भी फिनिश लाइन के पीछे। ये क्या कर्ड से जो आप लेकर के आए हो कैरी भाई की, आदित फोर्थ आ रहे हैं यहां पर क्योंकि मैंने बोला था पावर फिनिश जीतेगी। इन 3 2 1 लेट्स रंबल। वाओ, आई मीन इमेजिन कीजिए गुल्लिन फर्स्ट, वाओ, और आदित ये कर लेते हैं पहले। वाओ यार, वाओ वाओ, अरे यार कैसे बताऊं, काफी करीब हो सकता है। देखो मैं अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहता, सही बताऊं प्रेडिक्शन करके। देखिए अभी भी बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि जो को पेनल्टी भी पड़ेगी अभी, वो अगर फर्स्ट भी चले जाते हैं तब भी रिपेयर करने की पेनल्टी मिलनी है उनको। तो आदित अगर सेकंड क्लोज में भी जाएंगे तब भी वो फर्स्ट आने वाले हैं इस कंपटीशन में। आई मीन रिपेयर तो खैर आदित जीत, तो पावर फीनिक्स जीत गई। अभी भी वो यहां पे भी रिपेयर होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, बहुत कैलकुलेशंस है यहां आ रहे हैं जहां पर इन दोनों रहेंगे। बहुत गुल्लिन बहुत पीछे, वो नहीं होता है पीछे
गुलीन आई थिंक कल तक हो जाएगा इनका रेस खत्म, क्योंकि अभी फिर से गलत डायरेक्शन में, पहाड़ों के ऊपर से नहीं जा सकते आप, बट ठीक है, ये तब पता चलता जब वंचर्स खेलते, अब ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज अक्षु प्लेड डिसेंटली वेल, आई मीन काफी बढ़िया वो खेले, और अभी के लिए पार्थ की बात करें वो थर्ड भी आ सकते हैं गुरलीन, जरूर से कुछ घंटे और लगेंगे उनको इस रेस को कंप्लीट करने में, बट ओपी यूनिकॉर्न्स आप देखिए पांचों रेसेस लगातार यहां पर जीती हैं, अगर हम बात करें जो कि पांच वुडन स्पून्स जो है वो टोटल हमें ओपी यूनिकॉर्न्स के पास देखने को मिल रहे हैं, और आज पहली बार होगा प्लेग्राउंड 2 के इतिहास में जब वो चमचमाती हुई ट्रॉफी वो उठाते हुए नजर आएंगे ओपी यूनिकॉर्न्स, क्योंकि अभी तक एक भी फाइनल उन्होंने जीता नहीं है। चलिए गुलीन ने भी यहाँ पे रेस खत्म कर दी है, और अपने टाइम से बेहतर में करी है, पहले जब खेले थे तो 6 मिनट कुछ सेकंड लगाए थे, अभी 5 मिनट कुछ सेकंड में कर दी, तो उन्होंने भी इम्प्रूव किया, बट दैट डजंट मैटर, एंड ओपी यूनिकॉर्न्स यहाँ पे जीत चुके हैं, पहली बार बॉम्ब स्पैम होता हुआ हमने देखा बहुत ज्यादा, और उनके टीम ने वैसा खेला भी है, दे डिजर्व एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। क्या बात है, so let's welcome the captain of OB Unicorns, UFO! देखें UFO के लिए ये जय को देखिए उधर से वुडन स्पून फेंक रहे कि आप, अरे आप नहीं ले सकते वो कर्ज आप, आपके लिए, आज आपके लिए ये है, आपके लिए आज ये आदत हो गई है शायद, देखिए उड़ जय इनके पास ऑलरेडी वुडन स्पून का सेट है, और नीचे इनको नहीं 6 हो गए, बट यूफो सबसे पहली चीज कितना ज्यादा खुश हैं आप? जैसे मैंने बोला था कि आई एम टेकिंग इट एज डे वन जी, तो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर अस, पूरी टीम ने जैसे भी यू नो सबका कंट्रीब्यूशन था, जो डिड अ फैबुलस जॉब, एंड हम लोगों को उसको सपोर्ट करना था, वहाँ पे पार्थ ने भी एक्सेल किया, एंड आई ऑल्सो गॉट द ग्रिप ऑफ द गेम पार्थ के नॉलेज से, अमन ने भी आके टिप्स दिए थे, तो अभी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन था ये लाने में। चलिए अब स्काउट से बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार स्काउट यूफो की बात कर चुके हैं, तो आज तो बात करना उनका बनता है। स्काउट फाइनली जो यूफो हम लोग को देखना था वो अब दिखने मिल रहा है, अब मजा आ गया हफ्ते यार, यूफो प्राउड, एक हफ्ता में गाली खाए उतर लिए, टेंशन मत ले, अब टाइम में जवाब देने का। मैं भी बहुत डिमोटिवेटेड हो गया था, बट फाइनली अभी यही प्लान था, आपने जो टिप्स दी थी वी एग्जैक्टली डिड द सेम, इफ यू सॉ द गेम्स जो को पुश किया हम लोगों ने, एंड वी ट्राइड टू सिक्योर द कंसिस्टेंट पॉइंट्स इन द टेबल, एंड यू डोंट हैव टू बी फर्स्ट टू विन द गेम, आप सेकंड और थर्ड आके भी फर्स्ट बन सकते हो, स्काउट ने बोला था। देखिए कैरी कुछ बोल रहे थे कि बता क्यों रहा है ये सारी स्ट्रेटजीज, कैरी कुछ बोलेंगे आप यूफो को? हां भाई क्या नहीं है, क्यों रहा है तू स्काउट की स्ट्रेटजीज अब उसके अपने पास रखना, तूने बता दी सबको? नहीं कैरी वन ऑफ मेनी है, कोई ना कुछ हेल्प हो जाएगा तेरी टीम, वन ऑफ मेनी है, अबे चल इतना स्ट्राइक भी दिखाते, इतनी चादर मत फैला, ठीक है मुझे पता है तूने एक ही बताई है, तो अभी एक ही बताए जी जरूरत है, अभी एक ही बताया, चल चलिए बैटर्स चलते रहेंगे, बट यूफो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी ट्रॉफी के लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।